हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 of Pentacles एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। और देखिए, 10 of Pentacles का कार्ड सबसे पहली बार फाइनेंशियल, मनी, पैसे से रिलेटेड या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 10 of Pentacles का कार्ड फैमिली का भी कार्ड होता है। तो ये सिक्योरिटी, ये स्टेबिलिटी सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी महसूस कर रही है। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट फैमिली हो सकती है, कुछ के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या फिर आपकी ही अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये वीक पैसों से रिलेटेड काफी प्रॉफिटेबल रहता हुआ दिख रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिख रही हैं। और देखिए, हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन भी आप अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ओवरऑल देखिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और डीपर लेवल के लिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड कहता है, बहुत ही सब्र के साथ आप चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव, बिल्कुल भी जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। और देखिए एक्वेरियस, ये आइडियल सिचुएशन भी होती है। हमें प्रॉपरली अपना होमवर्क करना चाहिए, प्रॉपरली चीज़ों को प्लान करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। और फिर से मैं कहूँगी, कुछ ऐसा ही आप भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 of Pentacles एंड स्पिरिचुअल यूनियन। और देखिए, 6 of Pentacles का कार्ड, अगर मैं 2 words में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये गिव एंड टेक की बात करता है, यानी कि गिविंग एंड रिसीविंग की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और देखिए, ये गिव एंड टेक सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गिव एंड टेक हो सकता है, जहाँ पे आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आपकी तरफ से हो रही है या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए इमोशनल, मेंटल एक गिव एंड टेक हो सकता है। आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको मेंटल इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे 6 of Pentacles के नीचे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, तो एक इमोशनल गिव एंड टेक मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, लव, इमोशंस आप किसी खास इंसान के साथ या फिर अपने लव वंस के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और पीछे किसी के साथ भी अगर कुछ इश्यूज हुए, मन मुटाव हुए, तो वो भी इस वीक रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी 6 of Pentacles का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में आप एक बैलेंस जरूर रखें, क्योंकि जब भी किसी भी तरीके का डिसबैलेंस हमारी लाइफ में आता है, तभी कहीं इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फ्लो का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं, आप उनको वैसे ही लेते जाएं,
बियॉन्ड द पॉइंट, आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज ना करें, बहुत ज़्यादा आप सोचें ना, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों की समझने की कोशिश ना करें। फिर से मैं कहूँगी कि सरेंडर मोड में रहें, खुद पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, जिस गॉड को मानते हैं उन पे ट्रस्ट करें, और अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आप उनको डेफिनेटली लें, अवेल करें, और नहीं आ रही हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट आप परेशान ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।